नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। हरियाणा की होडल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन का चुनाव प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र को जहां शहर की विभिन्न पट्टी और कॉलोनियों के लोगों ने उन्हें जीत का आश्वासन दिया, तो वहीं गांव भिडुकी में भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र के समर्थन में लगभग 20 जगहों पर स्वागत किया गया। भिडुकी में 4 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों व गाड़ियों से सवार हुए युवा वर्ग डीजे और काफिले के साथ भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र को गाँव लेकर पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा हरेंद्र का फूल माला व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। गांव में निकाले गए काफिले के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इतनी संख्या में भीड़ देखकर ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। हरेंद्र के समर्थन में शुक्रवार को होडल में भैरव वाली चौपाल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरि सिंह, लालजी नंबरदार, मंडी प्रधान लखविंदर सिंह, दाताराम विनय, राजेंद्र पार्षद, राजवीर होशियार, बंटी ठेकेदार, किशन सिंह, अजीत बेनीवाल, कोदाना वाले जयवीर, कुमार पाल आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस अवसर पर मौजूद गणमान्य लोगों का कहना था कि भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन का स्वभाव इतना सहज और सरल है कि जब भी लोग उनका पगड़ी या माला पहनाकर स्वागत को तैयार होते हैं तो स्वयं हरेंद्र ही दूसरों को पगड़ी बांधकर स्वागत करते हैं। रामरतन, हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं यहाँ से होडल विधानसभा से। तब हसनपुर विधानसभा हुआ करता था, एक छोटे से गरीब किसान को आपने घर बैठे हुए किसान को दिए, जो अपना खुद का व्यापार करता था उसको बुला के आपने उनको विधायक बनाया था, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत दिल से आभारी और अभिनंदन करता हूँ। जब मेरे पिताजी यहाँ पर विधायक बने, विधायक बनने के बाद में मेरे पिताजी ने जो लोग पहले यहाँ के विधायक बनते आ रहे थे, एक भाई को दूसरे भाई से बिड़ाने का काम करते थे, कभी उसके ऊपर कभी इसके ऊपर, तो मेरे पिताजी ने आके 5 पंचायतें की और भाईचारे को बढ़ाने का काम किया था। मैंने भी उन्हीं से सीखा है समाज के अंदर। मैं तो भारत सरकार में नौकरी करता था, लोकसभा के अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी था, चौधरी चरण सिंह जी सेवा किया और हमारे जो है पूर्व जिला चौधरी जवाहर सिंह जी की मेरे ऊपर नजर पड़ी, इन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को लेके आइए, और हमारे होटल विधानसभा के सरदार ने कहा कि भाई हरिंदर को यहाँ पर लेके आइए और इससे काम करवाइए। 2014 में भी मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। लोग मुझसे कहते हैं कहीं भिड़ूंगी भिड़ूंगी भिड़ूंगी, खासकर भिड़ूंगी का जब नाम आता है, मैंने कहा कि मेरे पिताजी को 1,00,000 में टिकट मिला था, लेकिन भिड़ूंगी काम ऐसा था उस समय भी, ये मेरे सामने प्रमाण है, चलता है मेरी ननिहाल भी है भिड़ूंगी के अंदर, मैं यहाँ से मेरा रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है, और मैं तो आप लोगों के पूरे सरदार में यहाँ बैठे हैं, आपके मान और सम्मान की रक्षा करूंगा, और मैं अपने परिवार से भी लिए कह दिया है कि बेटा, मेरे दोनों बेटे आपके पास है, मेरे पिताजी आपके पास यहाँ पर है, आपके सम्मान को कभी भी नीचे नहीं आने देंगे, हमेशा सर माथे को उठा के रखेंगे, जब भी हमको आप आदेश देंगे, दिन का आदेश हो रात का आदेश हो, चौकीदार बन के आप लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि पावर है तो मैंने भी बहुत देखी है। मैं लोकसभा में था, 543 आदमी के द्वारा वहां पर सांसद आते थे, लेकिन मेरे पिताजी का आप, मेरे पिताजी ने सरदारी के साथ रहे, उन्होंने उनको आपने इतना दिए जो प्यार दिया है, मैं आपने एक बार पूरी समस्त सरदारी से झोली फैला के, जैसे मेरे पिताजी को आपने प्यार दिया समस्त सरदारी ने, होटल विधानसभा की सरदारी ने, एक बार अपने बेटे को भी ऐसा ही आशीर्वाद दे, आपके मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि देश को बचाना है मेरा, मेरा ना ये हरिंदर की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले ही आपके पड़ोस में हतीर के अंदर जो हमारी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके सामने पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उसमें 200 बोल दे कि आपने लोगों को रोक लें, ऐसे लोग हैं, और देश को बचाने के लिए, नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए हरिंदर को भूल जाइए, हरिंदर तो आपका बेटा है। निका कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।